हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों अभी आपने स्टार्टिंग में देखा तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस रीडिंग के लिए मैं जो भी मटेरियल्स का यूज करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फोन के स्क्रीन पर ओपन करेंगे काइन मास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे एक जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। सो ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पे, ये काइन मास्टर का न्यू वर्जन। अगर आपके पास ये वाला वर्जन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पे पिन किया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे वेबसाइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करना 900 लगे एसोस सेलेक्ट कीजिए, एडवांस वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए, यहाँ पे फिल स्क्रीन कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपका ये जो 4.0 है तो इसे 4.0 कर लीजिएगा, क्रिएट पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे जब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी फाइल में आपका इमेज होगा उस फाइल को सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जितने भी इमेज पर एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को आपको सिंपली ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तब तक के लिए कुछ इमेज को ले लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 5-6-7 इमेज तक लिया है शायद। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें इमेज को सिलेक्ट करना है और देख लेना कोई इमेज कहीं पे कट तो नहीं रहा है। सारे इमेज एक बार देख लीजिएगा, जो इमेज कट रहा होगा तो उसे एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, पेन एंड जूम पे क्लिक करेंगे, इक्वल कर लेंगे और फिर इसे जूम आउट और जूम इन करके आप अपना एडजस्ट कर लीजिए। तो मेरा यहाँ पर कहीं पर नहीं कट रहा है तो मैं इसे रहने देता हूँ जैसे वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बिगनेट का ऑप्शन देख सकते हैं, इसे आपको ऑन कर देना है। सभी इमेज पे जितने भी इमेज है सबका आपका बिगनेट ऑन कर देना है, इसलिए मैंने थोड़े से इमेज सेलेक्ट किए ताकि मैं जल्दी जल्दी से आपको करके दिखा सकूँ। तो आप मिनिमम 30 सेकेंड तक का स्टेटस बनाइएगा अपने पिक्चर के साथ, अपने मनपसंद सॉन्ग के साथ इस तरह की पिक्चर स्टेटस बनाएंगे, काफ़ी क्रिएटिव लगता है। तो यहाँ पे बिगनेट ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ये पिक्चर देख सकते हैं इसे सेलेक्ट कीजिएगा, क्लिप रैप से क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको इन एनिमेशन का ऑप्शन आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड करने के लिए ऊपर बॉक्स पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ सर्च में आप इन एनिमेशन सर्च कीजिएगा तो भी मिल जाएगा, या फिर एनिमेशन पर यह है ही, यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है, यहीं पर आपको मिल जाएगा ये देख सकते हैं ये वाला। तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे सेलेक्ट कीजिएगा, 3 नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर से क्लिप ग्राफिक्स में जाइएगा, फिर से यहाँ पे इन एनिमेशन 3 नंबर, फिर से नेक्स्ट वाला, फिर से मतलब सभी पे आपको इन एनिमेशन 3 नंबर ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबको ऊपर की तरफ हमें भेजना है तो सिंपली वही इन एनिमेशन 3 नंबर। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने थोड़े से इमेज सेलेक्ट किए कि आप जल्दी से अपना एडिटिंग कर सकते, ज़्यादा टाइम लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सभी पिक्चर पर मैंने इन एनिमेशन इफेक्ट दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्टिंग में आएंगे। स्टार्टिंग में आने को फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस का आइकन देख रहे हैं इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाइप वाला जो ऑप्शन मतलब आता है उसे आपको ले लेना है, ये वाला आपको डाउनलोड इसे भी उसी तरह से करना है। कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे प्लस का आइकन पर टैप करने के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऊपर जो बॉक्स देख सकते हैं इस पर टैप करना है और फ्रेंड्स यहाँ सर्च में आपको इलेक्ट्रिक वाइप सर्च कर लेना है या फिर वाइप वाला जो ऑप्शन है उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाइप वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें आइएगा तो यहीं पे इलेक्ट्रिक वाइप मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसे तो मैं इसलिए रहने देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक वाइप, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से आएगा। सेकेंड प्लस के आइकन पे टैप कीजिएगा और फिर यहाँ पे नीचे आ जाइएगा इलेक्ट्रिक वाइप सेकेंड नंबर, मतलब एक एक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चले जाना है और जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर से वापस रिप्लेस करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पे मैं जल्दी जल्दी से लगा देता हूँ, 3 ठो हो चुका चौथा वाला और फिर ये 5वां, थोड़ा और नीचे आएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाइप पे, और सॉरी ये क्या हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाइप पे, और ये रहा 5 नंबर और फिर यहाँ पे 6 नंबर। बस मैंने इतना ही 7-8 ठो इमेज यूज किया है, आप देख लीजिएगा जितना भी इमेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सभी पे इफेक्ट लग चुका है। और फर्स्ट इमेज जो है इसका आपको क्या करना है, ड्यूरेशन कम कर देना है ताकि इफेक्ट हमें थोड़ा सा दिखना चाहिए। यहाँ पे जब इफेक्ट नहीं दिखेगा तो एडिटिंग कैसी। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज को भी थोड़ा सा कम कर देंगे और लास्ट इमेज को भी ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा 15 सेकेंड का स्टेटस बन रहा है फ्रेंड्स, आप जितना टाइम का बनाना चाहे उतना टाइम बना सकते हैं। अभी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो ऊपर देख सकते हैं एरो इस पर टैप कर लेना है, टैप करना जिस भी क्वालिटी में आप रखना चाहते रखिएगा, सेव एज वीडियो पर क्लिक कीजिएगा तो ये जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर हम आगे की एडिटिंग करेंगे। तब तक अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपके पास कोई टॉपिक हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करूँगा। इस टॉपिक को आप जो कमेंट करेंगे तो उससे मेरा भी फायदा होगा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अभी ये कुछ इस तरह से आ गया जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेयर्स पे टैप करना है, मीडियम देना है। मीडियम देने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक तो फ्रेम का PNG आपको दिया है, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करना है तो क्रॉपिंग में जाइएगा और इसका जो मास्क है इनेबल कर दीजिएगा और यहाँ पे शेप तो सेलेक्ट है, इसे इस तरह से क्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। बराबर में 916 के शेप में इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है। फिर यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ा लेना है इस तरह से, ठीक है। बढ़ाने के बाद इसे ऊपर रखिएगा इस तरह से और यहाँ पे इसे इस तरह से रख लीजिएगा सेंटर में, ठीक है। एकदम बीचों बीच रखिएगा कि फ्रेम एकदम बीच में रहे, इस तरह से, इस तरह से बीचों बीच दोनों साइड बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये स्टार्टिंग में आ जाइएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, लेयर्स पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने का जो वीडियो भी आप एक्सपोर्ट किए उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। और फ्रेंड्स वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि एडजस्ट करने में आसानी हो और इसके बराबर में इस तरह से रख लीजिएगा फ्रेम के बराबर में और इस तरह से खींच कर आपको इसे बराबर करना होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अभी 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, सेंड टू बैक कर दीजिए, नीचे चला जाएगा। अब इसे एकदम से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये अभी एडजस्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कहीं पर रह जा रहा है और इसे हम जूम करेंगे तो दोनों साइड में थोड़ा भाग जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं सही है या नहीं। तो ऑफेंस परफेक्ट है, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा तो आसानी से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये हो गया। अभी यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, एक म्यूजिक प्लेयर वाला जो वीडियो मैंने आपको दिया उसे ले लेना है। तो लेयर्स पर टैप कीजिए, मीडियम देगा, यहाँ पर डाउनलोड में चले जाना है और ये म्यूजिक प्लेयर वाला वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन को टैप कीजिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का स्क्रीन का ऑप्शन जा रहा है, इस पर टैप कर दीजिए तो ब्लैक वाला जो पार्ट है यहाँ से हट जाएगा। अब इसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा इस तरह से और फिर यहाँ पे सेट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहाँ से बैक आइएगा। बैक आने के बाद फिर से लेयर्स पर टैप कीजिएगा, मीडियम देगा। मीडियम जाने के बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। सो गाइस डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पार्टिकल वीडियो मैंने आपको दिया उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक कॉर्नर पर रखिएगा और फिर इस तरह से जूम कर दीजिएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, और नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद इसे स्क्रीन कर दीजिएगा। देन यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद फिर से आपको लेयर पर टैप करना है, मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद बॉर्डर PNG आपको ले लेना है। तो फ्रेंड्स बॉर्डर PNG मैंने काफ़ी सारे वीडियो में दिया है तो आप उसे ले लीजिएगा। देन यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे कर लीजिएगा, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन के साथ में है तो फ्रेंड्स इसे हमें क्या करना होगा, स्क्रीन करना होगा, ठीक है। वैसे PNG मैंने आपको दिया है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन करेंगे, आपको स्क्रीन नहीं करना होगा, आपको डायरेक्ट PNG मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आपको अब लेयर्स मतलब स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ लेयर पे टैप करना है, मीडिया में टैप करना है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन वाला लैरिक्स वीडियो ले लेना है। जो भी सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते हैं आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ब्लैक स्क्रीन लैरिक्स वीडियो तो आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाते हैं। तो जो भी इफेक्ट के साथ आपको अच्छा लगे उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे मैं जो यहाँ पे यूज़ करूँगा उसे आपको मैंने दे दिया है तो आप उस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके वीडियो को सिलेक्ट करते हैं ताकि जो वीडियो हमारा हो एक ही बार में यहाँ पर हमें दिख जाए। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो रखे हैं तो मैं एक कोई वीडियो यहाँ पर देख लेता हूँ कौन सा सॉन्ग सही लग रहा है। तो चलिए मैं तब तक के लिए इसी सॉन्ग को रख लेता हूँ फ्रेंड्स। और सॉन्ग मेरा यहाँ पे परफेक्ट बराबर में आ रहा है क्योंकि मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। आप जितना टाइम का बनाना चाहे उतना टाइम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना होगा, इसे इस तरह से थोड़ा सा जूम कर लेना है ताकि लैरिक्स आपका दिखे और इसके बीच में इस तरह से रखिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीन कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे बराबर कर लीजिएगा इस तरह से और फिर यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद प्ले कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं उसमें भी यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, मतलब साउंड आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबको साउंड यहाँ पे म्यूट करना होगा। जैसे इसे सेलेक्ट कीजिएगा और मिक्सर पे क्लिक करके इसे म्यूट कर दीजिएगा या फिर इसका साउंड नीचे कर दीजिएगा तो म्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे बीट वाला जो है इसे भी सेलेक्ट कीजिएगा, मिक्सर पर जाइएगा और इसका साउंड म्यूट कर दीजिएगा। अभी प्ले कर ले। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं इसमें ब्लर इफेक्ट देना तो आपको क्या करना होगा, लेयर पर टैप करना होगा, यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना होगा, सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे बेसिक इफेक्ट में जाना है, गैसियन ब्लर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसमें इफेक्ट लग जाएगा इस तरह से। तो आप इसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं और फिर इसे यहाँ पे इस तरह से पूरे स्क्रीन पर कर लीजिएगा इस तरह से। फिर 3 डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर दीजिएगा, ये सबसे नीचे चला जाएगा।
अब इसके इफेक्ट को आपको क्या करना है, इस इफेक्ट को सबसे लास्ट तक कर लेना है। यहाँ पे करने के बाद इसका आप यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं, मतलब उसका जो इफेक्ट है बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप जितना पे रखना चाहे रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ और यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियो बन चुकी है, आप सिंपली इसे सेव कर लेना है। सेव करने के लिए ऊपर एरो देख सकते हो, इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी क्वालिटी में रखना चाहते हैं सेव एज वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुबह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।